आज मीडिया बाइट के लिए जो यहाँ पर सभी मीडिया कर्मी आप सब पधारे हैं, आपका धन्यवाद। लक्ष्मीकांत जी भी है, हमारे प्रमोद जी भी है, और आज हमारी बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भी है जो विद्याधर नगर से हमारे प्रत्याशी जी है विष्णु प्रताप सिंह जी, और कुछ और हमारे एक दो पार्षद भी है जो ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह से राजस्थान में महिला अत्याचार इतना ज्यादा बड़ा है, मैं भी अभी अपने दौरों पे हूँ और मैं देख रही हूँ महिलाएं इतना ज्यादा गुस्सा है इस कांग्रेस सरकार से, और इतना ज्यादा उत्साहित है, हर सभा में महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है और महिलाएं बस इंतजार कर रही है 25 नवंबर का कि कब वो बटन दबाए कमल के फूल का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाए, अपने लिए सुरक्षा लाए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों के लिए सुरक्षा लाए, एक अच्छा भविष्य लाए और इस कांग्रेस सरकार को जड़ से उखाड़ के फेंक दे। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के सहयोगी नेता नीतीश कुमार जी ने जो विधानसभा में वहां पर कहा, ये बेहद शर्मनाक है, और ये और उससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि कैसे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने दोनों ने चुप्पी साधी। मुझे इनके ये सहयोगी दल के नेता है और ऐसा बयान ये विधानसभा में देते हैं, और इनकी जो ये हिंदी अलायंस के जो प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी है, दोनों के दोनों चुप। लगातार आपने देखा है प्रियंका गांधी जी राजस्थान आती है, रणथंभौर जाती है, छुट्टी मनाने आती है, पिकनिक मनाने आती है, लेकिन एक भी पीड़िता के पास या उसके उसके दुख में कभी भी उनके ना तो मिलने गई, ना परिवार को दिलासा दिलाने गई, ना न्याय दिलाने की कोशिश। तो राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ता जा रहा है रोजाना, रोजाना हम देख रहे हैं कि घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ गई है। 35,000 बेटियां हमारी न्याय मांग रही, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं।